हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सिविल 2.0 में। ठेकेदारी का पहला कदम क्या हो सकता है दोस्तों? पहले सोची मत, डायरेक्ट ठेकेदारी शुरू कीजिए। पेपर ऊपर तो बन जाएंगे, ठेकेदारी में आप देखिए। पहले लोग ठेकेदारी करने से बहुत डरते हैं, शुरुआत में बिडिंग करने से। एक दो आप देखिएगा तो यहाँ ठेकेदार काफ़ी लोग डाल दिए हैं, 20 25 100 ऐसे ऐसे करके टेंडर डालते हैं। आप भी एक बार कर चलते हैं, आप इस फील्ड में उतरिए। एक बार आप टेंडर बिड करने कीजिएगा तो आप खुद जान जाइए कि इसमें क्या कितना पानी में जाके किया जा सकता है। बहुत हवा भी बना के रखे हो कि ठेकेदारी में पैसा डूब जाता है, ये हो जाता है। तो बिजनेस ऐसा चीज़ है कि इसमें वहाँ बिजनेस डूब सकता है। आप किसी चीज़ में कीजिएगा तो डूब सकता है। इसमें लोग डरते भी है कि ये गुंडे लोग और ठगी करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। पहले होता था कि कुछ ठेकेदार लोग करते थे, अब तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ किया ये गलत हो सकता है। आप देखिएगा तो आप काफ़ी पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में घुस चुके हैं, और बहुत से लोग जब दूसरे ठेकेदार से पूछते हैं कि इसमें क्या स्कोप है क्या है, तो ठेकेदार आज से नहीं, आज तो 2021 चल रहा है, आप 1980 में भी किसी ठेकेदार से पूछते हैं तो बोलते हैं अरे बहुत बहुत ख़राब किस्मत चल रहा है, एकदम पैसा नहीं है, एकदम ये नहीं है। 1980 से एक ठेकेदार को डायलॉग किया, 2021 तक चल रहा है कि आप इसमें पैसा नहीं है, ये हो गया वो हो गया। ये सब आप बंद करके एक बार आप इस फील्ड में घुसिए, क्योंकि एक कहावत है, एक बार एक बंदर के सामने केले और लाखों रुपए रख दिया जाए तो वह केला ही उठाएगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि इसमें कि 1 लाख रुपया में कितने सारे केले आ जाएंगे। सेम टू सेम आज की जनरेशन का भी थोड़ा मोड़ा वही हाल है। वो किसी ठेकेदार के अंदर मिला के काम कर लेगी, लेकिन किसी को खुद से ठेकेदारी करना शुरू नहीं करेंगे। आप इस फील्ड में घुसिए, देखिए, और उसके बाद इसमें डटिए। दोस्तों, इसी तरह के चैनल में वीडियो में बनाते रहता हूँ मैं। जीएसटी वीएसटी से लेकर हर ठेकेदारी के सारे पेपर बनाता हूँ। आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको आगे किस टाइप के वीडियो चाहिए वो भी आप लिख के बता सकते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।